कोई काबिल हो तो शाने कई देते हैं, और ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। वो कोई सूफी था ना, लटक लग गई महबूब को देखने की। लिखा 40 साल नहीं सोए, 40 साल नहीं सोए। अब दुनियादारों को कौन बताए कि ये क्या बातें हैं, 40 साल नहीं सोए। मुजादा किया, एक दिन बैठे बैठे ना कहीं आंख लग गई, बस ये बंद हुई तो अंदर की खुल गई इधर, सुपने दे विच मिलिया माही ते गल विच पा लिया बावा, डरदी मारी अख ना खोलां कि ते फेर विछड़ ना जावा। बस फिर महबूब मिल गया इधर, वो जब बेदार हुए, इसलिए हजरत हुक्म दिया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक्कुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, हाँ इनके बगैर नहीं तुम चल सकते कोई। बस गलत कयास कर लिया, वो क्या सोचा लै भाई, अगर पहले पता होता कि सोने से महबूब मिल जाता है तो मैं भी 40 साल जागता रहा है, रोज सोता और रोज महबूब को देखता। बस फिर क्या था, सूफी साहब ने जो बिस्तर है वो बगल में दबा लिया, नमाज पढ़ी बिस्तर बिछा के फिर सो गए कि महबूब मिलेगा। वो काफी दिन गुजरे, फिर एक दिन गैब से सदा आई बंदिया, ये की है, वो पहले सोना नहीं सह हूं तो उठता ही कोई नहीं, ये क्या है। अर्ज की, अगर पहले पता होता कि सोने से महबूब मिल जाता है तो मैं भी 40 साल जागता रहा, मैं तो सोता हूं कि शायद फिर सोऊं तो फिर महबूब मिल जाए। हैं तो आगे से आवाज आई, बंदे तुझे ये किसने कह दिया कि महबूब सोने से मिलते हैं, सोने से महबूब नहीं मिलते। अरे महबूब का मिल जाना 40 साल जागने का फल था, फिर देखना तो फिर 40 साल जाग और फिर देख ले। हाँ हजरत, हम तो मायल व करम है कोई साहिल ही नहीं, राह दिखाए किसे कोई रह रहे मंजिल ही नहीं। पूछा मैमुना, मेरा नाम किस तरह पता चल गया? कहा जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बताया उसी ने रात को तेरे बारे में मुझे भी बता दिया है। अब फरमाते हैं, मैंने जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया, हाँ जिस चीज ने सबसे ज्यादा परेशान किया वो ये थी, भाई ये फितरत किस तरह बदल गई, ये शेरों की और बकरियों की यारी कब से हो गई है। फरमाते मैंने हजरत मैमूना से सवाल किया, मैंने कहा मैमूना ये तो बता, ये शेरों और बकरियों की यारी कब से लग गई, ये दोस्ती कब से हुई, ये फितरत किस तरह बदल गई। तो फरमाते आगे से हजरत मैमूना रो पड़ी, रोकर मुझे कहती हैं, ऐ अब्दुल्ला जिस दिन से मैंने अपने अल्लाह से यारी लगा ली है ना, उस दिन से फिर इन शेरों ने मेरी बकरियों से भी यारी लगा ली। हाय यारी लगा लो यार, हाँ लगा के तो देखो भाई, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते हजरत हैं। ये आप सिलसिला माशाल्लाह आए भी हम आज कादरी घर में हजरत, अब सिलसिला आलिया कादरी शरीफ का शजरा पड़ेगा, तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला के बाद हजरत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह तआला, और हाँ हजरत जी आपको हकीकत बता रहा हूँ, वाकई मुश्किल कुशा है, लेकिन को आगे भी तो ना हजरत, ये हजरत मेरे बुजुर्ग सुनाया करते थे, क्योंकि माशाल्लाह 100 साल से ऊपर उम्र हुई मेरे दादा शेख हुजूर हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला, ये आप सुनाया करते थे। अब इसको लतीफ़ा भी कह लें, थोड़ा सबक भी मिलेगा इसमें हजरत। अब फरमाते हैं अभी पाकिस्तान का कयाम नहीं हुआ था, पाकिस्तान अभी वजूद में नहीं आया था, अभी ये सारा हिंदी था। अफरमाते हुआ क्या, एक सिख ना जंगल से लकड़ियां काट के ला रहा था और बारिश बरसी हुई थी, रास्ता कच्चा था, पानी खड़ा था, उसको अंदाजा नहीं हुआ कि आगे कितना कीचड़ है, उसने कहा नहीं मैं गुजर जाऊंगा, लेकिन क्या हुआ उसका गड्ढा कीचड़ में फंस गया। तो पहले तो उसने खूब बैलों को पीटा, खुद जोर लगाया, लेकिन नहीं। अब सिखों के टोटल 12 गुरु हैं, गुरु नानक से लेकर गुरु गुरविंद सिंह तक मेरे ख्याल से। अब क्या किया हजरत, पहिए को हाथ डाला, या गुरु नंबर 1, या गुरु नंबर 2, या गुरु नंबर 3, या गुरु नंबर 4, या गुरु नंबर 5, कोई कहानी नहीं। अब उधर सूरज गुरूब हो रहा था, बैलगाड़ी छोड़ के जाने को जी नहीं चाह रहा था, उधर अपनी जान का भी खतरा था, भाई करूं तो क्या करूं, अब बड़ा परेशान खड़ा था। तो क्या हुआ, उधर से हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला नु का एक मलांगो गुजर रहा था, और ये निशानी याद रखना हजरत, जो भी हजरत मौला अली का मलांग होगा दिल का बड़ा नरम होगा, ये निशानी याद रख, हो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह नरम होगा हजरत बड़ा। देखा यार रात पड़ रही है, सिख बड़ा परेशान खड़ा है, आगे पूछता है सरदार जी खैर ते है? तसु
और मलंगो जाओ अपना काम करो जाके। उसने कहा मैं अपना काम करूंगा, बैलगाड़ी भी है, लकड़ियां भी हैं, तेरी जान भी है, क्यों खड़ा क्यों नहीं जा रहा। वो गुस्से में आके कहता है मलंगो मेरी बॉडी वेखी जे। क्या हो? उन्होंने कहा मेरे अंदरू तड़े हार दे चार मलंग निकल आते, मेरे को गड्ढा नहीं लिया, मेरे बारह गुरुआं को ही नहीं लिया, एवं तुम दस के टाइम जाया करा, जाओ अपना काम करो जाके। उसने कहा इतना सा काम है, इधर हटो। उसने पहिए को हाथ मारा लगाया और अपने एक ही सुचे गुरु को आवाज दी, नाराए हैदरी, गड्ढा बार, गड्ढा बार। अब बड़ा सोच के ना, बड़ा के इसको क्या जवाब दूं, बड़ा सोच के आगे से क्या कहता है, मलंगो गुरु साढ़े भी चंगे ने, बस जरा खोबे दे पैड़े ने। अल्लाह का शुक्र है जरा साढ़े खोबे दे भी चंगे ने यार, कोई आए तो सही यार, साढ़े खोबे दे भी चंगे ने, कोई आए तो सही यार, है साढ़े खोबे दे भी चंगे ने यार, कोई आए तो सही यार, हम तो मायल बाकरम है, कोई साहेल ही नहीं, साढ़े खोबे दे भी चंगे ने। हाँ, ये मैं पढ़ रहा था हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला दरसे हदीस दे रहे थे, तो दरस देते देते ना आपने अपना हाथ इस तरह कर दिया। अब रोब था हजरत का, किसी में इतनी मत नहीं हुई कि हजरत को पूछे हुजूरिया आपने अपना दस्ते मुबारक इस तरह क्यों कर दिया। फिर लिखा है कि हजरत का हाथ इतना इतना गीला हो गया, फिर हजरत के हाथ में से पानी के कतरे टपकने शुरू हो गए, हाथ इसी तरह रखा और दस्त देते रहे, दर्स खत्म हो गया। मुरीदों ने अर्ज की हुजूर ये आपने हाथ इस तरह कर दिया, फिर आपका बाजू गीला हो गया, फिर उसमें से पानी टपकना शुरू हो गया, ये क्या है? आपने फरमाया यार मेरा एक बच्चा मुरीद खेल रहा था तो खेलता खेलता कुएं में गिर गया। पहले उसने अपनी माँ को पुकारा, माँ तक आवाज ही नहीं गई, फिर उसने अपने बाप को पुकारा, बाप तक भी आवाज ही नहीं गई, फिर उसने अपने भाई को पुकारा, उस तक भी आवाज नहीं गई, इसलिए कोई उसकी मदद को नहीं पहुंचा। फिर उसने मुझे पुकारा था, मैं उसको निकालने गया था। है आज भी है, हम तो माहिल बकरम में कोई साहिल नहीं, राह दिखाए किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। हाँ हजरत, ये इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फिर आगे मुरीद हैं हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। लिखा है कि हजरत का इब्तदाई हाल कुछ अच्छा नहीं था, बाद में फिर उन्होंने हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दस्ते मुबारक पे तौबा की, और तौबा भी हजरत मेरे आरदी ने की थी। कैसी तौबा हो है यार, तौबा लटके अधवशकार, तौबा विच तू उमर वे आई, तौबा दी तेनू समझ नहीं आई, पक्की तौबा की हजरत ने। और लिखा है कि हजरत ने अपनी तस्बीह अनायत फरमाई और साथ इसमें जात तलकीन किया, अल्लाह, फरमाया हबीब उम्र पहले ही बड़ी गुजर गई है, हाँ इसको पकाओ अब। और हजरत को असबाब के तर्क करने का हुक्म दिया गया। अब बैठ गए अपने घर में और हजरत ने तस्बीह पकड़ ली और शुरू हुआ बस अल्लाह अल्लाह। वाला हजरत ने कहा है ना पहले ही तूने ए करीम लुकमाए तर खिलाए क्यों है। अब आ गई बस फकीरी हजरत, और भाई दुआ किया करो मैं तो करता हूँ, या अल्लाह परौंठियां दी आदत पै गई हूं रहम ही करी, माड़े लोग माफी दे छड़ी, ओखी काट फकीरी वाली चढ़ सूली ते बहना ओखा काम है भाई। लेकिन इन लोगों के इतने इतने बड़े जरफ है, हजरत ने तो बर्दाश्त कर लिया। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, छह दिन गुजरे। इमाम याफई लिखते हैं कि बीबी साहब आ गई और आके ना बड़े गुस्से में आपको कहती हैं हबीब ये क्या आप तस्वीर लेके बैठे रहते हैं, ये हमसे नहीं मांगी सूखी रोटियां खाई जाती, जाओ जाके को मुशक्कत करो, को मेहनत करो, को पैसे कमा के लाओ, हम भी को तरन वाला खाएं। दाना आदमी थे, बीवी से बहस नहीं की, तस्वीर लोटा मुसल्ला कुरान पाक लिया और जंगल चले गए। वो सूफी तो पहले दुआ करते हैं, दिल में हो याद तेरी और गोशा ये तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमा नाराई हो। है वहां सारा दिन बैठ के ना वो अल्लाह 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 किया। जब रात पड़ी तो घर आ गए, तो लिखा है जब घर आए ना तो घर आते बीवी ने सबसे पहला सवाल ये किया, हबीब मजदूरी की ना? अफरमाते मैंने कहा की है। वो कहती है फिर मजदूरी किधर है? अफरमाते मैंने टाला, मैंने कहा सारे मजदूरी मांग रहे थे, लेकिन मैंने जिसकी मजदूरी की है ना मेरा मालिक बड़ा करीम है, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई है। बीवी आगे से कहती है अच्छा चलो कल मांगिएगा, चलो दो दिन के पैसे आएंगे ज़रा ज़्यादा आ जाएंगे। अफरमाते अगला दिन आया तो मैं फिर चला गया, फिर उसी तरह ढूंढ, फिर वही फुर्सत के रात दिन के बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए। अफरमाते फिर सारा दिन उसी तरह गुजरा,
अल्लाह 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 अल्लाह। फरमाते रात पड़ी तो मैं घर आ गया, जब घर आया तो बीवी ने वही कल वाला सवाल किया, हबीब मजदूरी की ना? अब फरमाते मैंने कहा कल से ज्यादा की है। तो कहती फिर मजदूरी किधर है? अब फरमाते मैंने उसको टाला, नहीं सारे मांग रहे थे तो मेरा मालिक बड़ा करीम है, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई। तो बीवी गुस्से में आके आगे से कहती है, हबीब अब जब कल जाएंगे ना तो जाके काम नहीं शुरू करना, पहले दो दिन की मजदूरी लेनी है, अगर तो दे तो फिर उसका काम करना, नहीं तो किसी और की मजदूरी करना जाके। अब हजरत ये को सूफी समझेगा कि ये तीर कैसे यहां आके लगता है। हजरत हुजूर बुल्ले शाह ने फरमाया था ना, फरमाते सोने मिला नजारा असा नहीं यार बटाना, असा नहीं यार बटाना। अब फरमाते यहां तीर लगा, किसने क्या क्या दिया है, है को ऐसा सत्तर माओ से बढ़ के प्यार करने वाला, एक गुनाह जे मां प्यो देखे देवे देश निकाला, लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावन वाला। फरमाते मैं सारी रात सिसकियां लेता रहा, इसने क्या क्या दिया है, जाऊं तो जाऊं कहां। खैरा फरमाते तीसरा दिन आया, मैं फिर चला गया। अब फरमाते सारा दिन फिर उसी तरह गुजरा। अब फरमाते जब रात पड़ी ना तो मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा भी वो दो दिन तो उसको टाल लिया, आज उसे क्या कह के टालना है, पता नहीं वो आगे से क्या बोलेगी, कुछ ऐसा ही ना कह दे जो मुझसे सुना ही ना जाए, क्या करूं। अब फरमाते मैं बाहर ही बैठ गया और इरादा ये किया घर उस वक्त जाऊंगा जब सो गई होगी, आ चलो बाहर ही बैठते। अब फरमाते बाहर बैठा और फिर शुरू हो गया वो ही अल्लाह 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 अल्लाह। अब फरमाते जब आधी रात हुई ना तो मैं घर आ गया, लेकिन अब फरमाते जब घर आया तो क्या देखता हूँ, मंजर ही बदला हुआ है। ऐतवार की रात लेकिन क्या देखता हूँ, घर में चूल्हा जल रहा है और कुछ पकने की खुशबू आ रही है। अब फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ कि आधी रात को फकीर के घर में चूल्हा कैसे जल गया। अब फरमाते फिर दिल में ख्याल आया गांव में से किसी को तरस आया होगा, कोई दे गया होगा कुछ। अब फरमाते मैंने जाके ना दरवाजे पर दस्तक दी तो बीवी ने दरवाजा खोला, लेकिन अब फरमाते जब दरवाजा खोला तो क्या देखता हूँ, रूती सारी बदली हुई है, बड़ी खुश है और कपड़े भी उसने नए पहन रखे हैं। अब फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ ये इतनी खुश क्यों है और ये इसने नए कपड़े कहाँ से लिए। फरमाते सवाल मैंने खुद से किया लेकिन जवाब वो देती है और कहती क्या है, हबीब ये आप किसकी मजदूरी करते रहे हो, आपका मालिक तो वाकया बड़ा करीम।